नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे मस्त होंगे। दोस्तों, आपको मैं दिखा दूं, एक वो चीना कबूतरी को दौड़ा रहा है, वो आप देख सकते हैं लाफ्ट के गेट के पास, ये वाला जोड़ा। एक वो दौड़ा रहा है अंडों के लिए और एक ये वाला अपना जोड़ा, ये भी कबूतरी को दौड़ा रहा है अंडों के लिए। अभी शायद इनकी मीटिंग हो चुकी है और अंडों के लिए दौड़ा रहे हैं। सारे के सारे जोड़े उन जो अंडे पे हैं वो अपनी अपनी मादिन को दौड़ा रहे हैं। बाकी अभी गर्मी ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी क्या करना चाहिए इनके अंडों का सोचना पड़ेगा अगर अंडे दे दिए तो। क्योंकि अभी वो चीने का जोड़ा जो वो अभी दौड़ा रहे हैं, वो तो उनका बच्चा अभी 20-21 दिन का ही है। और मैंने वो समीर से जेंगो और जेनी भी उसने मेरे को दे दिए थे, तो मैंने ले लिए थे। क्योंकि दोस्तों उसके यहाँ 5 बार उनने अंडे दिए, बाकी 5 ही बार ख़राब हो गए। पता नहीं क्या है क्या नहीं है उसके यहाँ, कैसे रखता है कैसे नहीं रखता। तो दोस्तों अपन ने अपने हाथ पे लगे हुए जेंगो जेनी, जो कि आप ये देख सकते हैं ईंट के ऊपर, ये ईंट के सामने जो दिख रहा है घुटरा रहा है, ये अपना जेंगो और वो जेनी है। और एक ये जोड़ा आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये दौड़ा रहा है मादिन को। बाकी अभी इनका नया नया जोड़ा है, ये वाला वाइट वाला जोड़ा और वो चीनी कबूतरी, ये जो सामने आ रहे हैं, इनमें अभी जोड़ा लगा ही है, नया ही जोड़ा है, तो इनका अभी कुछ कह नहीं सकते अंडों का। बाकी अपने पुराने जोड़ों में दो जोड़े अंडों पर बैठे हैं, जो कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, शायद बच्चे निकाल लेंगे थोड़े बहुत दिन में। और ये अपने घर का सबसे डेंजर कबूतर है भाई, ये अभी चौथी कली पे है शायद, पंख झाड़ पे चल रहा है और इतना डेंजर है कि ये मेरे को भी मारता है भाई। इसको हाथ से दाना पानी खिलाया, हाथ पे लगाया था। और एक उसके आगे काला कबूतर, वो भी भाई अपने घर का है, वो भी बच्चा अपने घर का ही था और मस्त, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर कबूतर है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अंडे बच्चे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मच्छरों का बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। मच्छरों के काटने से बहुत प्रॉब्लम होती है, माता चेचक फुंसी वगैरह की, तो उसमें बहुत इलाज करना पड़ता है। और अभी तो आप पहले से ही दवाइयाँ चालू कर दी है कि जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, और अपन अभी से ही दवाई देना चालू कर दिए हैं पहले से पहले कि मच्छर काटे भी तो उसका असर नहीं हो, और आप लोग भी दवाई दिया करें। तो दोस्तों कुछ ऐसा है मेरे घर की छत का हाल। ये दोनों भाई इतने पक्के मित्र हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही जोड़े के बच्चे हैं, एक साथ निकाले थे, तो इतने पक्के हैं कि आप मानोगे नहीं। इनके लिए कबूतरी लाया तो ये कबूतरी के साथ नहीं बैठते अपनी पेटी में, उनको मारते हैं, और ये दोनों भाई भाई साथ में रहते हैं। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है अपनी छत पे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, यही मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।